आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। पुलिस के लिए गले की हड्डी बना नाबालिग का अपहरण। फिल्मी अंदाज में हुए उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को चुप रहने को मजबूर कर दिया है। बीनगंज में किराना कारोबारी के बेटे को हाथी दिखाने का कहकर दो बाइक सवार ले गए, 7 घंटे तक बेहोश रखा। 10 साल के नाबालिग को अगवा कर 12 लाख की फिरौती मांगी गई थी, बाद में 7 लाख में सौदा पटा। अपहरणकर्ताओं ने रात 11 बजे प्रतीक्षालय पर रुपए से भरा बैग रखवाया और वहीं बच्चे को छोड़ा। बीनागंज निवासी किराना कारोबारी मनीष पालीवाल के 10 साल के बेटे को शुक्रवार की शाम अगवा कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 7 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद उसे छोड़ा। अपहरणकर्ता 12 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन बालक के पिता ने उनसे मिन्नत की कि इतने पैसे के इंतजाम वो नहीं कर पाएंगे। आखिर में अपहरणकर्ताओं ने कम पैसे में सौदा करने को तैयार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने श्री पालीवाल को धमकी दी कि अगर वह पुलिस को बताएंगे तो उनके बेटों को मार दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बच्चे के पिता से 7 लाख रुपए मंगवाए। इस दौरान उन्होंने फिल्मी अंदाज में 3 जगह भी बदली। आरोपियों ने फिरौती की रकम लेने के लिए फिल्मी अंदाज का उपयोग किया। उन्होंने पहले पिता को मंदिर पर बुलवाया, फिर 2 जगह और बदली। इसके बाद 4थी जगह प्रतीक्षालय पर पहुंचे। इसके बाद 1 घंटे के अंतराल के बाद 12 बजे बच्चे को वहीं छोड़ा। इसके बाद बच्चे के पिता मनीष पालीवाल 7 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को देकर बच्चे को छुड़ाने में सफल हो गए। वहीं एक और गुना जिले की पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां पुलिस करोड़ों रुपए के तकनीकी उपकरणों से अपने आप को सुसज्जित बताती है, उसी पुलिस ने घटना के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अज्ञात बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। वहीं स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में आरोपी पकड़े नहीं जाते तो वह बाजार बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जब हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करना चाहिए तो उन्होंने हमसे कार्रवाई की बात कहकर हमसे बात करने से मना कर दिया। वहीं इस तरह की पहली घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। हालांकि जिस फिल्मी अंदाज में यह घटनाक्रम घटित हुआ तो इससे किसी पारिवारिक व्यक्ति के होने की बात से मना भी नहीं किया जा सकता। उस दिन हम पढ़ाई में साइकिल चलाने गए, सीआईडी खेलने गए, तो हम बताऊँ चला रहे साइकिल है ना, फिर वो बात कर रहा, 2 लोग आए मोटरसाइकिल से, मुंह पर कुछ ढक रखा था फेस कवर सारी बात। हमसे यूँ पूछा कि बेटा तुमको गाड़ी चलाना आता है, तो हमने मना कर दी कि हमको दोनों को ही नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। फिर उन्हें जिद करने लग गए कि चलो मैं सिखाऊँ, तो हमने फिर भी मना किया। तो वो जिद करके और फिर उन्होंने फ़ोन पर बात की कि आती आ गया, तो हमने बोला चल कान देखने चल। फिर हमने फिर मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, तो वो अंकल जी जिद करने लग गए कि चलो बेटा चलो हाथी दिखा लाऊँगा। फिर इसने बोला मुझसे कि बताऊँ तू देख कर आ तो संदीप, इतने में इसको ले गए। अब मुझे पता नहीं था कि इसको ले जाएंगे, तो इसने बोल दिया कि तू हाथी देख कर आ जा। फिर मैं यहाँ पर आया बंटी भैया से बोल कर, मैंने कह दी स्कूल के पास। अच्छा फिर क्या हुआ बेटा? 2 लोग आए और मुझे उठा के ले गए। अच्छा फिर? फिर वो मुझे जंगल में ले गए, कुमराज के जंगल में। और मैं झोपड़ी में रो कर था। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुमराज का जंगल है? मुझे एक गार्डन दिखा था इसलिए। अच्छा फिर बाद में क्या हुआ? बाद में कुछ भी नहीं, पापा ने रुपए दी थी और छोड़ दिया। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपका बच्चा किडनैप हो गया? उनके एक फोन आया अपने पास 7.5 घंटे बाद, 7:30 बजे के आसपास। 12 लाख रुपए की डिमांड करी उन्होंने, तो 12 लाख रुपए 8 बजे तक ले आओ और इसको ले जाओ। फिर आपने क्या किया? मेरे दोस्त का बड़ी पाली बात, 7 लाख रुपये उनसे बिल खाने भाई, 7 लाख रुपये दिए उनको, इसके बाद इसको दे गए वो। अच्छा आपने पुलिस का सहयोग नहीं लिया? नहीं, पुलिस वाले पूरे साथ थे, उन्होंने पूरी हेल्प की अपनी। अच्छा मैंने मना कर रखा था उनसे कि आप अभी सामने बताओ, लेकिन वो डील दिक्कत हो जाती, वो कुछ भी कर सकते थे इसके साथ। सही बात, पुलिस वालों ने पूरा अपना साथ दिया। अभी इस बदमाशों के बारे में पुलिस ने कोई कार्रवाई शुरू करी कि नहीं? हाँ पूरी सर्चिंग चल रही है उनकी। अच्छा अच्छा पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया कि नहीं? नहीं अभी किसी को गिरफ्तार नहीं करा, सर्चिंग चल रही है उनकी। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। इंजीनियर ओएन शर्मा की जीवन संरक्षण यात्रा पहुंची म्याना। म्याना से प्रारंभ हुई जीवन संरक्षण यात्रा, आपको बता दें कि यह यात्रा 15 जून से 14 सितंबर तक चलेगी। यह यात्रा टकनेरा क्षेत्र में घूमते हुए म्याना पहुंची। शर्मा द्वारा म्याना की संपूर्ण गलियों में घूमते हुए बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं से पेड़ लगाने की अपील भी की गई एवं बच्चों के साथ चौपाल लगाई गई। ओएन शर्मा ने बच्चों को भविष्य बताया।
यात्रा का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना एवं पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। आसमान से पानी वर्षा होती है, वर्षा कब होती है? पेड़ों की वजह से। कैसे होती है? ऐसे होता पानी कैसे बरसता है? और जब बरसता है पानी तो पानी जमीन में कैसे जाता है? जड़ों के द्वारा पानी नीचे कैसे आता है? हवा कहाँ से आती है? अच्छा, आप लोग को हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? सांस चाहिए और नहीं मिली तो और सांस कहाँ से आएगी? पेड़ से। पेड़ नहीं होंगे तो नहीं आएगी तक। और पानी नहीं मिला तो आप लोग सबसे बड़ा काम क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलो, पेड़ लगाना और पेड़ बचाना। क्या करना है? तभी अपना काम पूरा होगा। ठीक है, यात्रा 15 जून से 14 सितंबर तक चलेगी। 500 गांव में जाना है और 500 गांव में हर परिवार से मिलके उनको ये जागृत करना है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो जो जागरण का काम है और उनसे एक संकल्प पत्र 1 से लेकर 5 पेड़ तक का संकल्प भरवाएंगे और जो संकल्पित व्यक्ति होंगे उनको हम पेड़ देंगे और जो संकल्प लेगा वो पेड़ बचाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। म्याना में हिंदू भाइयों ने रखा ईद मिलन समारोह। म्याना चौराहे पर ईद मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया जिसमें हिंदू भाइयों ने भी सहयोग किया। मुस्लिम भाइयों का माल्यार्पण कर एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। समाज सेवी ओएन शर्मा एवं उनकी टीम इस मिलन समारोह में भी सम्मिलित हुई। वहीं श्री शर्मा ने हिंदू मुस्लिम एकता की तारीफ की और म्यानों को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बताया। साथ ही पर्यावरण बचाने की भी अपील की। श्री शर्मा ने सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से कम 5 पेड़ लगाने की अपील की। इस अवसर पर ओएन शर्मा के अलावा म्याना के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब मैं हमारे न्यूज़ करूंगा कि बुआ और इन दो नौजवान हमारे बीच में इनके आ चुके हैं। शर्मा जी, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे पहले हमारा स्वागत करेंगे आपका। यू आर अवर गेस्ट। लेकिन मैं एक बदो बात कहके जरूर कहना चाहूंगा इस मौके पे कि हमारे भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में 1892 में जब एक अंग्रेज ने पूरा सर्वे किया था और पूरे देश भाई कहने का मतलब तब आता है जब हमें पता है कि हमारे माता पिता एक है, लेकिन पूरी सृष्टि का तो परम पिता एक ही है, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आज से जाति पे, धर्म पे, बड़े पे, छोटे पे कहीं ना कहीं बांटा है। इन सब चीजों को आज हमारी युवा पीढ़ी अच्छी समझती है। सिर्फ उनको हमारे बड़ों के द्वारा अपने इतिहास के गौरवशाली इतिहास को उनके सामने रखने की जरूरत है। उन्हें मालूम रहे सिर्फ कि हमारा इतिहास क्या है। भाई भाई 1892 में बोली है, उस एकता को आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग इसको किस तरीके से संचित करते हैं, किस तरीके से उस चीज को कायम रखे हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी संस्कृति को पोषित किया। चाहता हूं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, आज के इस मजमे को देख करके, और इस दो को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, कभी किनारे से अंदाजा तूफा नहीं होता। मोहतरम हजरात के पर
मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस महफिल से एक पैगाम देना चाहता हूं कि होली क्या होती है, दीपावली क्या होती है, और आज तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ईद क्या होती है। दिवंगत मामा जी ओम प्रकाश स्वामी जी ऐसे कार्यक्रम करते रहते थे, उनकी दिली इच्छा थी कि इस देश में भाईचारा बढ़े, इस गांव में भाईचारा बढ़े, और वो कोई ना कोई आयोजन करते रहते थे। उनसे मुझे प्रेरणा मिली और चूंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो कई दिनों से मेरे मन में ये ख्यालात थे कि मैं ऐसा प्रोग्राम रखूँ, और इसमें सहयोग से भरे परिवारों द्वारा, चौराहे पर जिस भरे परिवार रहते हैं उनके द्वारा सहयोग किया गया। इसमें मेरे जो आड़त के पार्टनर हैं राजू राम सवारी जी, उनका विशेष सहयोग रहा, और उन्होंने और मैंने इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, और सबसे अंजुमन इस्लाम वालों से हमने परमिशन ली। इसके बाद हमने ये कार्यक्रम रखा, सबको ईदगाह पर हम आमंत्रित करके आए और सभी लोग यहाँ पर पधारे, हमें खुशी हुई। इस तरह के प्रोग्राम से यही संदेश जाता है कि हमारे ग्राम में धार्मिक सौहार्द, जातिगत सौहार्द। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दो पक्षों के झगड़े में झुलसा कुशलपुरा गांव में फैली सनसनी। चांदौड़ा क्षेत्र के कुशलपुरा नामक गांव में दो पक्षों के आपसी झगड़े में दो से तीन पक्के मकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, के साथ ही कुछ कच्चे मकानों में भी आग लगा दी गई। ये आग इतनी तेज फैली कि गांव में खतरे का माहौल पैदा हो गया और गाँव वाले डरे सहमे से हैं। गाँव वासियों ने पुलिस को भी सूचना दी और फायर ब्रिगेड की भी सूचना दी, लेकिन वह भी आग पर काबू नहीं कर पाई। गाँव की हालत अभी भी अनहोनी होने की शंका में है। फोन लगा तहसीलदार नाग पाँच एकदम लगा था यार मशीन आ गई माना महेश देख के जल्दी लगा दिस फोन आग लगते लगा और अब भी हाल डालना जाए चार पांच तो बड़ी गया फायर विकेट पे लगाओ फायर विकेट पे क्या फायर ब्रिगेड पहुंचा जल्दी से आग जल्दी बफकड़ी चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ताओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी में संचालित किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से इन आशा कार्यकर्ताओं को बताया गया कि दस्त लगने पर ORS के घोल को उपयोग करें, साथ ही ORS पाउडर को घोल को बनाने की विधि भी यहां पर बताई गई। इसके साथ ही यहां पर पानी बचाने हेतु संकल्प भी दिलाया गया। शक्कर भाई लोधा सीमा जटिया सावित्री अहिरवाल आशाओं का ये हमारा 8 दिवसीय प्रशिक्षण मुझे 5 दिवसीय प्रशिक्षण है और आज इनकी हम छुट्टी कर रहे हैं, है ना। इनको हम आशा के कार्य के बारे में इनका प्रशिक्षण चल रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी प्रशिक्षण देती है। हम इनको ये बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ हमने आज ये भी बताई कि पानी भी बचाएं, जो नव दुनिया का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी शामिल हों, आधा गिलास पानी वाले भी शामिल हों। दूसरी हमने एक कोशिश भी इनको की है इनके पाठ्यक्रम के अलावा कि दस्तों में ORS का उपयोग शीघ्र करें। अगर जो है दस्त में ORS का उपयोग करेंगे तो बोतल का उपयोग नहीं होगा, बोतल नहीं लगानी पड़ेगी और लोग लुटेंगे नहीं हैं। और जो ORS पाउडर का घोल बनाने की विधि भी मैंने बताई, मैंने खुद ने बताई क्या होगा कि ORS पाउडर का घोल अगर सही ढंग से बनाया जाए तो बच्चे को और बड़ों को किसी को भी बिल्कुल बोतल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई खर्चा नहीं होता, ORS उपलब्ध रहता है और बच्चा स्वस्थ।
मिशन इंद्रधनुष एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत दस्त रोग के नियंत्रण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 3 दिनों से जिले में दस्तक अभियान चल रहा है, जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को बच्चों की बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते बच्चों की बीमारियों का नियंत्रण कैसे किया जाए इसके बारे में भी बताया जा रहा है। इस दस्तक अभियान के अंतर्गत सभी माताओं को ORS के घोल बनाने की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि बच्चों को दस्त लगने की दशा में उन्हें अतिरिक्त बोतल या इंजेक्शन न लगाया जाए। अभी सर्वे चलेंगे, तो घर घर जाकर ये सर्वे करेंगे, और दस्तक साथ में दस्तक अभियान भी चल रहा है, तो उसका भी 14 जून से लेकर के 31 जुलाई तक डेढ़ महीने चलेंगे। इसमें जो दस्तक अभियान घर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को ORS के पैकेट बांटेंगे और उन्हें बताएंगे इनके बारे में कि इसे दस्त से क्या नुकसान होता है, क्योंकि जब माताएँ इसे जागरूक नहीं होती हैं, इसलिए उनके लिए जागरूकता लाने के लिए ORS का घोल प्रदर्शन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, ताकि माँ बच्ची मृत्यु जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो बाल मृत्यु ज़्यादा है उनको कमी लाने के लिए शासन द्वारा ये नीति चलाई जा रही है। ख्यालबाग कॉलोनी में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि पास ही की कॉलोनी में किसी ने कचरे में आग लगा दी, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया एवं फैलना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मियों के चलते सभी जगह बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी, जिससे आग बहुत ही तेजी से फैलने लगी। करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अब जबकि कचरे में आग लगाने की सख्त मनाही होने के बाद भी लोग कचरे में आग लगा देते हैं, इसका परिणाम आज इस कॉलोनी में देखने को मिला। यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मनाया गया, जिसके चलते आज विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई एवं लंगर एवं प्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं अर्जुन देव जी के बारे में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सचिव हरवीर सिंह ने बताया कि किस तरह से मुगल शासकों ने गुरु अर्जुन देव को धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह से यातनाएं दी, जिसके बाद भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। आज उनकी याद में शहीद दिवस मनाया गया। बंदी बना लिया, उसके बाद कई प्रकार के तजिए दिए गए,
उबलती हुई देग में उबाला गया और सिर पे गर्म रेत डलवाई गई और गर्म तवे पे बिठा कर कई घंटों तक नीचे से आग दी गई, लेकिन गुरु साहब ने हार नहीं मानी। उनका मेन उद्देश्य था कि अगर गुरु साहब मुगल बन जाते हैं, बाकी जितने इनके अनुयायी हैं ऑटोमेटिक से हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन गुरु साहब ने इतनी कष्टें सहन करने के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और हिंदू धर्म की रक्षा करी। उसी को दिवस को आज शहीदी दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ एक विशाल चल समारोह निकाला। इस जुलूस में हजारों की तादाद में राजपूत जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल ईद के चलते इस जुलूस को आज निकाला गया, जिससे शहर में अमन एवं शांति कायम रहे। साथ ही पुलिस की मुस्तैदी भी देखने को मिली। पुलिस ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले रखा था। इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। इनके साथ ही पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक एवं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। हालांकि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ। जुलूस का जगह जगह स्वागत भी किया गया। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।